एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जिसके दर्शन करने से भी कतराते हैं श्रद्धालु। मंदिर में जाना तो दूर की बात, चौखट पर भी पैर रखने से कतराते हैं श्रद्धालु। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां धर्म और अध्यात्म का संगम देखने को मिलता है। यहां हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अनगिनत प्राचीन मंदिर स्थित हैं और उन तमाम मंदिरों से जुड़ी कोई ना कोई ऐतिहासिक मान्यता प्रचलित है। भारत के इन मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं के दर्शन पाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं और प्रणाम करते हैं और अपनी मनचाही इच्छा मांगते हैं। जिन श्रद्धालुओं की मुरादें पूरी हो जाती हैं, वह दोबारा उस दर पर आते हैं और इच्छा मांगते हैं। लेकिन देश के इन प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक मंदिरों में एक ऐसा मंदिर भी है जहां दर्शन करना तो दूर की बात है, वहां अपने कदम रखने से भी भक्त डरते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के चंबा के पास एक छोटे से कस्बे भारमोर में स्थित यह खास मंदिर धर्मराज यानी कि मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित खास मंदिर है। यह मंदिर धर्मराज दिखने में बिल्कुल एक घर जैसा आपको दिखाई देगा। यहां आने वाले लोग मंदिर धर्मराज के भीतर प्रवेश करने से कतराते हैं और बाहर से ही दर्शन करके और नमन करके चले जाते हैं। और इनके पीछे उनके डर की वजह भी साफ झलकती है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर के भीतर एक ऐसा कक्ष बना हुआ है जो चित्रगुप्त को समर्पित है। जी हाँ, चित्रगुप्त जो कि यमराज के सहायक थे और यहां तक कि वह लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा लेखा जोखा अपने पास रखते थे। इसीलिए कहा जाता है कि इस मंदिर के भीतर जो कक्ष बना हुआ है वहां पर चित्रगुप्त आज भी दिखाई देते हैं। मान्यता है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत सबसे पहले उस व्यक्ति की आत्मा को इसी मंदिर में चित्रगुप्त के सामने पेश करते हैं। यह सभा कभी कभार रात के समय लगती है। चित्रगुप्त यहां आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं और इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्माओं को ले जाया जाता है, जिसे यमराज की कचहरी कहते हैं और जो इस खास मंदिर का मुख्य कक्ष भी है। जन धारणाओं के अनुसार इस मंदिर में लोगों की माने और पुराणों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि इस मंदिर में चार अदृश्य द्वार हैं, जो स्वर्ण, रजत, सोने और लोहे और साथ ही तांबे के बने हुए हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और आयरन। यमराज की कचहरी में पेश होने वाली आत्माओं को लेकर जब यमराज का फैसला आता है, तब उनके दूत आत्माओं को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में चार दिशाओं के चार द्वार का उल्लेख मिलता है। भले ही जीते जी इंसान इस मंदिर में जाने से कतराते हैं, लेकिन मरने के बाद हर इंसान की आत्मा को सबसे पहले यमराज के दूत इसी मंदिर में हाजिर करने के लिए लेके आते हैं और सबसे पहले वह चित्रगुप्त से होकर गुजरते हैं। उसके बाद मुख्य कचहरी लगती है जो कि यमराज की होती है। उसके बाद ही दूतों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उन चार दिशाओं में भेज दिया जाता है इंसानों की आत्माओं को। लोगों की मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में जो कोई जाता है वह साक्षात मृत्यु के पास जा रहा होता है। इसी मान्यता को लेकर यहां पर मंदिर में कोई भी कदम नहीं रख पाता है, कोई भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जाता है। यहां तक कि जो पुजारी है वो भी मात्र सुबह के समय ही मंदिर के द्वार खोलता है और बाहर से ही नमन कर वापस लौट आता है। कहते हैं दोस्तों, इस मंदिर में अगर आप मुराद मांगते हैं तो आपकी वह मुराद पूरी होती है। लेकिन मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में मृत्यु को पाने, रिपीट कर, मृत्यु पर जीत हासिल करने वाली इच्छा के, मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में मृत्यु पर जीत पाने के लिए इच्छा अगर आप मांगते हैं तो उसका उल्टा भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में कभी आपको इस खास मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिले तो आप चूकिएगा मत। इस खास मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा, लेकिन चौखट के अंदर मत जाइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।